पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप, वही है कसौली। वहाँ पे अभी वहीं जाना है हमें। अब यहाँ से लेफ्ट की तरफ निकलेगा कसौली का रास्ता। इस रोड से अभी घूमते हुए हम ऊपर आए हैं। वहाँ सामने मिल रहा है पहाड़ों का सबसे फेमस खाना। वो सामने पीक देख रहे हैं, ये है कसौली का मंकी पॉइंट, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। पार्किंग यहाँ काफी महंगी है। ये चर्च है यहाँ पे। मंकी पॉइंट में आगे मोबाइल अलाउड नहीं है। ये सामने इधर टिबेटन स्ट्रीट है पूरा, कि यहाँ पे ऊपर जाके सुसाइड पॉइंट है 10 मिनट के रास्ते पे। गाड़ी देखो कितनी गंदी हो रही है, तो अभी मौका मिला तो इसे धोएंगे। हाय, आई हैव डन माय टास्क। ये बच्चों का काम है। अंदर से ये बहुत गंदी हो रही है, काफ़ी दिन से गाड़ी चलाई नहीं मैंने। ये क्या हाल है सब दोस्तों आपका? टाइटल में जैसे आपने पढ़ ही लिया होगा, हम आज जा रहे हैं कसौली घूमने के लिए चंडीगढ़ से। तो अभी टाइम हो चुका है 11 और अपनी कार हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी। तो अभी देखते हैं, अगर रश नहीं हुआ तो पहले कार वॉश कराएंगे और उसके बाद फिर आगे कसौली के लिए निकलेंगे। तो अपना कसौली का जो रूट है वो ऐसा रहेगा कि चंडीगढ़ से वाया पंचकुला होते हुए और हिमालयन एक्सप्रेस वे लेंगे, जो वो पिंजौर से कसौली शिमला के लिए निकलता है। अब जैसा कि आपको बताया कि काफ़ी दिन से कार मैंने चलाई नहीं, तो इसमें डीजल भी काफ़ी कम है, सिर्फ 85 किलोमीटर्स की रेंज अभी दिखा रहा है। तो अभी कार को रिफिल कराएंगे, उसके बाद निकलेंगे। आज गर्मी भी काफ़ी तेज़ हो रही है, धूप काफ़ी तेज़ है, तो आई थिंक क्लियर व्यू दिखेगा कसौली से भी आज। तो क्लाउड्स वगैरह जब होते हैं माउंटेंस के अंदर कसौली साइड पे, तो व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है उधर। बट आज कोई क्लाउड दिखने की भी उम्मीद है नहीं मेरे को वैसे। खैर, यहाँ घर से कसौली के मंकी पॉइंट तो दिखता है मेरे को, जो कि अभी पूरा क्लियरली दिख रहा था। लेट्स सी शाम तक वहाँ पे मौसम अगर बदलता है तो। मोस्टली शाम के टाइम पे क्लाउड्स आ जाते हैं पहाड़ों पे, तो व्यू और ठंड दोनों ही बहुत बढ़िया हो जाते हैं वहाँ पे। तो अपनी गाड़ी वॉश होके एकदम रेडी है, अब निकलेंगे यहाँ से कसौली के लिए। तो भाई गाड़ी को भी थोड़ा सा तेल पिला देते हैं, बहुत प्यासी है ये। तो हम फाइनली चंडीगढ़ से बाहर आ गए हैं। चंडीगढ़ से निकलते निकलते हमें आधा घंटा लग गया। कहने का तो छोटा सा है चंडीगढ़, 10 by 10 किलोमीटर का, लेकिन स्पीड लिमिट और ट्रैफिक लाइट्स जो हैं चंडीगढ़ में इतनी, और दूसरा ट्रैफिक भी इतना बढ़ गया है, उसकी वजह से चंडीगढ़ में ट्रैवल करना, जो टाइम है ट्रैवल करने का, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। तो अभी पंचकुला से आगे आ चुके हैं और पिंजौर की तरफ जा रहे हैं, हाईवे पे हैं पिंजौर के। सामने पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप, वही है कसौली। वहाँ पर अभी वहीं जाना है हमें और पहुँचने में देखते हैं 90 मिनट्स और लगेंगे। जो पहला टोल है पिंजौर का वो आ चुका है। एक बात तो माननी पड़ेगी, नितिन गडकरी जी ने जो हाईवे पे जबरदस्त काम किया है इंडिया में, उनके लिए हैट्स ऑफ है कि एटलीस्ट अब जो हमारा ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी कम हो चुका है, अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है हमें। तो हिली एरिया यहाँ से हो गया हमारा शुरू, पिंजौर हमने कर लिया क्रॉस। ये बाईपास है पिंजौर और कालका का, सीधा जाके परमाणु निकलेगा रास्ता, इसको बोलते हैं हिमालयन एक्सप्रेस वे। मानसून के टाइम पे इसकी ब्यूटी अपने अलग ही लेवल पे होती है यहाँ पे। यहाँ से लेफ्ट की तरफ निकलेगा कसौली का रास्ता। आप देखिए इम्पोर्ट भी लगा हुआ है कसौली का यहाँ पे, और जो स्ट्रेट जा रहा है वो है शिमला के लिए। अब यहाँ पे रोड थोड़ा पतला हो जाएगा क्योंकि सिंगल रोड है इधर। अभी एक स्पॉट पे रुको, यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा व्यू दिखा, आपको दिखाता हूँ मैं सबको। देखिए इस रोड से अभी घूमते हुए हम ऊपर आए हैं कसौली के लिए, और ये सामने जितने भी पाइन ट्रीज लगे हैं देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। वहाँ सामने मिल रहा है पहाड़ों का सबसे फेमस खाना, मैगी। आज लग रहा है कसौली में काफ़ी रश है, क्योंकि यहाँ के होटल्स ऑलमोस्ट टाइट पैक हैं और गाड़ियाँ भी काफ़ी जाती हुई दिख रही हैं, जो बाहर से दिल्ली हरियाणा या पंजाब से आई हैं। अब लेट्स सी, यहाँ से अभी लगभग 9 किलोमीटर और है कसौली, कितना टाइम लगता है हमें वहाँ पहुँचने में, एक बार GPS से मैं चेक कर लेता हूँ। GPS 9 किलोमीटर को कवर करने के लिए कम से कम आधा घंटा दिखा रहा है। अभी दोपहर के 2 तो बजने वाले हैं, भूख भी लगनी शुरू हो गई है। अब टाइम
टाइम से अगर कसौली पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे टिबेटन खाना खाएंगे, जो कि कसौली काफ़ी फेमस है जिस चीज़ के लिए। वो सामने पीक देख रहे हैं, ये है कसौली का मंकी पॉइंट, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। अगर आपको जूम करके दिखाऊं शायद आपको दिख भी जाएगा। तो ये जो एरिया है ये आता है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, तो मे बी शायद वहाँ पे मोबाइल हमें ले जाना अलाउड ना हो, बट स्टिल एक बार ट्राई करेंगे वहाँ पे जाके बात करने की। और उधर पहुँचने में हमें कम से कम आधा घंटा भी लगने वाला है। सामने पार्किंग स्लिप पटरी और पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है इधर ही। ये सब अभी नया नया डेवलपमेंट हुआ है कसौली के अंदर, पहले इतना कुछ था नहीं इधर पार्किंग के लिए, इवन टूरिज्म भी नहीं था पहले। लेकिन अब जैसे एक्सेसिबल हो गया है, हाईवेज बन गए हैं, तो टूरिज्म भी आने लगा है। पार्किंग यहाँ काफ़ी महंगी है, 130 रुपये लगे हैं 4 घंटे के हमारे इधर। और पार्किंग स्लॉट भी अभी कहीं मिल नहीं रहा हमें। अगर आप देखें तो बसेस भी इधर ही आके पार्क हो रही हैं सारी। तो यहाँ पे कार पार्क कर दी साइड में, और तो कहीं स्पॉट दिखा नहीं था अभी। अब चलते हैं बाहर की तरफ। अभी आ गए हैं कसौली, ये चर्च है यहाँ पे, चर्च के अंदर चलेंगे देखने के लिए। तो कुछ एक फ़ोटोज़ वगैरह मैंने क्लिक करी हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं इधर की। इधर शूज़ रिमूव करने पड़ेंगे अंदर जाने के लिए। ये जो चर्च है ये ब्रिटिश एरा का टाइम का बना हुआ है। इधर ऑलमोस्ट 1870 के अंदर यहाँ बनाया गया था। इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छे से की गई है। तो जैसा डाउट था, मंकी पॉइंट में आगे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी, तो उधर जाएंगे नहीं अभी। अभी हम चल रहे हैं टिबेटन मार्केट, भूख लगी है, कुछ खाते हैं उधर चल के। ये सामने इधर टिबेटन स्ट्रीट है पूरा। ये पूरी टिबेटन स्ट्रीट है इधर कसौली की। देखें कुछ यूनिक अगर यहाँ पे दिखता है तो उसको कैप्चर करेंगे आगे जाके। तो अभी आगे चल रहे हैं हेरिटेज मार्केट कसौली की देखने के लिए। रश काफ़ी ज़्यादा है आगे। ये इधर की हेरिटेज मार्केट, इधर मोस्टली ये बैग्स या खिलौने वगैरह ही दिख रहे हैं, ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा जो यहाँ का स्पेशल हो। तो अभी मैं रुका हूँ कैफे रुद्रा में। अभी हम मंगाएंगे यहाँ से वेज मोमोज और वेज टुक्का। सामने मोमोज रेडी हो रहे हैं और टुक्का के लिए भी कढ़ाई चढ़ा दी है इन्होंने। वेज मोमोज आ गए हैं, ट्राई करके देखते हैं इसको। खाने में तो काफ़ी अहमी है। अभी अगला हमारा आएगा तुक्का, तुक्का ट्राई करके देखेंगे कैसा है। और ये तुक्का भी रेडी है हमारा। तो भाई एक चीज़ बताओ कि मैं नोट कर रहा था, वो बुक सामने रखी है, रीडर कौन है आप में से? आप बुक्स रीड करते हो? ओके, काफ़ी अच्छी हैबिट है। तो अब पेट पूजा करके चलते हैं इधर गिल्बर्ट हाउस और सनसेट पॉइंट देखने के लिए। तो यहाँ से अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर है, वॉक करके जाना पड़ेगा क्योंकि ये टूरिस्ट की जो गाड़ियाँ हैं उनको आगे जाने देते नहीं है, थोड़ा सिक्योर्ड एरिया है इसलिए। तो अभी मोमोज़ और थुक्का खा के कैफे रुद्रा से निकले थे। तो मोमोज़ और थुक्का दोनों का टेस्ट बड़ा अल्टीमेट था। उसके बाद हॉट चॉकलेट पी, मुंह बहुत ही ज़्यादा मीठा हो गया उसके बाद। चॉकलेट तो ऐसे घोल रखी थी दूध के अंदर। हो सांस चढ़ रहा है, थोड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। सामने व्यू और क्लाउड फॉर्मेशन देख रहे हो। अभी तो यहाँ पे पेड़ आ रहे हैं बीच में, आगे थोड़ा क्लियर व्यू होगा आपको दिखाऊँगा। इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन बन रहा है क्लाउड का, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ है इधर। ये एक कसौली क्लब है यहाँ का, और अगर आप यहाँ देखें तो इंडियन आर्मी ने सबको श्रद्धांजलि इस प्रकार से यहाँ पे दी हुई है।
फोटोज हर जगह उनकी लगी हुई है। और ये सामने बैडमिंटन कोर्ट, सॉरी टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट वहाँ पे उधर पीछे था साइड। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है ये। मानसून के टाइम पे अगर इधर आए तो उसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा निखर के सामने आपको दिखेगी, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पे इधर। अब देखिए सामने क्लाउड फॉर्मेशन कितना ज़बरदस्त दिख रहा है इधर। कसौली में ऐसा सच कुछ ज़्यादा देखने के लिए है नहीं, बस एक चर्च और कुछ एक व्यू पॉइंट्स हैं और एक मंकी पॉइंट। दूसरा यहाँ की जो मार्केट है वो घूमने लायक है बस, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं, अराउंड 500 मीटर्स की है। कसौली एक्चुअल में ब्रिटिश एरा के टाइम पे बनाया गया था, तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो भी उसी टाइम का ही आपको दिख जाएगा। चंडीगढ़ के कंपैरिजन में मौसम यहाँ ठंडा है, हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, लेकिन पैदल चल चल के पसीना निकलने लग गया। तो अगर आप कसौली घूमने के लिए आते हैं तो ये सोच के आइए कि कम से कम आपको यहाँ 3 किलोमीटर तो वॉक करनी पड़ेगी एक अच्छा व्यू देखने के लिए या फिर फोटोज कैप्चर करने के लिए। देखिए आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा क्लाउडी है इधर तो ज़्यादा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, नहीं तो इधर से चंडीगढ़ बहुत क्लियरली नज़र आता है। हवा बहुत ठंडी चल रही है इधर, आपको फील भी हो रहा होगा। और सामने कंटोनमेंट एरिया है इधर, आपको पता नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। सामने पंचकुला नज़र आ रहा है पूरा, इधर थोड़ा सा क्लाउडी है अभी, और थोड़ा आगे की तरफ अगर जाएंगे तो चंडीगढ़ भी पूरा नज़र आएगा। तो ये आ गया है सनसेट पॉइंट, बच्चे खेल रहे हैं इधर, क्लियर व्यू तो कुछ भी अभी दिखेगा नहीं। तो सनसेट पॉइंट पे तो काफ़ी लोग थे, कोई पॉइंट खाली मिला नहीं जहाँ से फोटोग्राफी कर सकें, और इवन व्यू भी अभी कुछ क्लियर आ नहीं रहा था। जितना क्लियर इस साइड दिख रहा है उतना क्लियर उस साइड नहीं दिख रहा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही फॉगी सा हो रहा है अभी। तो आगे चलते हैं गिल्बर्ट हाउस, चल के देखते हैं कि आगे अलाउड है अंदर जाना कि नहीं जाना, तब तक थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं इस एरिया को भी। देखिए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, इंडो पाक वॉर में इनको परमवीर चक्र मिला था। ये है गिल्बर्ट ट्रेल, यहाँ से होते हुए रास्ता ऊपर जाता है नेचर्स वॉक के लिए, जंगल में घूमने के लिए। अगर किसी को ट्रैकिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एरिया रहेगा इधर। तो अभी भाई जी बता रहे थे कि यहाँ पे ऊपर जाके सुसाइड पॉइंट है 10 मिनट के रास्ते पे, तो ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और इस साइड आगे गिल्बर्ट हाउस है, लेकिन अंदर जाना अलाउड नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है वो। तो वापस नीचे उतरेंगे, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था नीचे का, सनसेट पॉइंट से भी ज़्यादा अच्छा व्यू यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ लग रही है और बैठने की भी जगह नहीं थी इधर। तो अभी चलते हैं वापस, इतना ही अभी वॉक करके वापस भी जाना पड़ेगा हमें लगभग 1.5 किलोमीटर। वॉक कर करके हालत ख़राब हो गई है, वापस चल रहे हैं पार्किंग की तरफ, अब निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो ऑलमोस्ट जितनी यहाँ पे मेन अट्रैक्शंस थी वो सब कवर कर लिया मैंने, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। वापस हम पहुंच गए हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड के पास, इधर सामने बस स्टैंड है और पार्किंग एरिया है। तो हम बैठ गए हैं कार में और अब निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। अब चंडीगढ़ को पहुंचने में हमें कम से कम यहाँ से 2 घंटे लगेंगे, बीच में अगर एक दो स्टॉप ले लिया तो मे बी शायद ज़्यादा लग जाए। रास्ते में रुका था ये व्यू देखने के लिए कसौली रिजॉर्ट का, कितना अल्टीमेट रिजॉर्ट है, कभी प्लान करेंगे यहाँ पे आके स्टे करने का। और उधर सामने इस साइड अगर जाते जाएंगे तो शिमला आ जाएगा, बहुत ही पीसफुल सा एरिया है इधर। चंडीगढ़ से कसौली का अप डाउन करना बहुत इजी है, एक दिन में आप आराम से अप डाउन कर सकते हैं और पूरा कसौली भी घूम सकते हैं। बस आपको मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, अराउंड 8 to 9 AM तक आप चंडीगढ़ से निकल लें और 2 घंटे लगेंगे आपको कसौली पहुँचने में, फिर आराम से आप पूरा कसौली यहाँ पे घूम सकते हैं, इवन आगे सोलन तक जा सकते हैं। व्यू देखिए आप यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है इधर। ये आ गया गढ़खल, कसौली में ही आता है, छोटा सा गांव है, बस गांव क्या कस्बा आप कह लो इसको, रोड साइड पे पूरा बसा हुआ है इधर। ये वन डे आउटिंग के लिए कसौली सबसे नियरेस्ट हिल स्टेशन है चंडीगढ़ के। आज के लिए बस इतना ही, आप जरूर मेरे को कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और जिन भाई लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।